सर्दी आते ही हॉट कॉफी की जो मांग है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, घर में जब आप उसको तैयार करते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, वो फ्लफी नहीं बनती, फॉर्म फॉर्म में नहीं आती। बाबा जी हूँ किमें आएगी, बाबा जी बिटर नाल बनानी है, बिटर के साथ नहीं बनानी, आपने इसको हैंड बिटर के साथ नहीं बनानी, इसके साथ नहीं बनानी, इसके साथ नहीं, बाबा जी किमें बनानी है, हम इसको बनाएंगे मिक्सी के जार में। बाबा जी सानू यह गल दसो मिक्सी के जार दे विच कॉफी कौन बनाता है, हम बना के दिखाएंगे। खवातीन घर में भाई बहने जो होती हैं वो इसके प्रोसेस को और इसको फेंटने की टेंशन को लेकर के कॉफी नहीं बनाती। ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आप एक बार बनाएंगे एक हफ्ते तक आपकी कॉफी चलेगी, मुंह की तरफ कैमरे करो, एक हफ्ते तक चलेगी। बर्फ से बनाएंगे, बाबा जी बर्फ जो वेच दब रहे हो काफी दे, हॉट काफी बना रहे हो, कोल्ड काफी बना रहे हो, भाई मेरे हॉट काफी बना रहे हैं, लेकिन हम ये आइस क्यूब हमने ले लिए बर्फ के, बीच में बर्फ भी डालेंगे लेकिन बनेंगे भी हॉट। आसान तरीके से आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके साथ का मिक्सी का एक जार ले लिया, बात को समझ नहीं आया अपने, ठीक हो गया। इसके अंदर हम ये नेस्कैफे वाली में कॉफी ले आया, इसके अंदर अब हम ये खोल के डालने लगे हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर जो है ना 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं, बस गल जो मुका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1, 2 और ये 3 टेबलस्पून डाल दी हमने। और इसके अंदर डबल चीनी जाएगी 6 टेबलस्पून, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6, ये 6 टेबलस्पून हमने चीनी डाल दी। बाबा जी 6 टेबलस्पून इसका फार्मूला क्या है, 3 टेबलस्पून कॉफी, 6 टेबलस्पून शुगर, डबल चीनी जाती है अगर आप इसको नॉर्मल पसंद करते हैं मीठे को, अगर तेज करते हैं तो 7 जाएंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर हमने अब क्या किया, आइस क्यूब ले लिए, सबसे पहले एक आइस क्यूब को उठाएंगे, मेरे पास थोड़ा बड़ा है, टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। अब इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि ये जब हम इसको चलाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा, ये जार हमारा मिक्सी का, तो ये फिर लिक्विड की तरफ चली जाएगी अगर हम गर्म पानी डालेंगे, तो इसीलिए हमने बर्फ का इस्तेमाल किया। अब इसको हल्का हल्का इधर से दिखाएं, हल्का हल्का ऐसे 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 कर करके 1 मिनट करेंगे। ये सबसे ऊपर वाला जो बटन होता है ना जूसर का, इसको हमने हल्का हल्का पुश किया, चलाया और हमने इसको 1 मिनट के लिए इस तरह किया, ये ठंडा है बाहर से। और कंडीशन दिखाऊं, ये देखें बापू जी है कि कर देता है, देख लें फिर है इसको। अब फिर दोबारा से हम इस तरीके से ये देखें कंडीशन, ये मेल्ट नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह, इस कंडीशन में यहाँ पे आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी आइस क्यूब और डालनी है, जब तक हमारा लेवल पूरा नहीं हो जाता, इसका ये नरम नहीं हो जाती, पूरी फॉर्म फॉर्म में नहीं आ जाती, जब तक हम इस तरीके से इसके अंदर बर्फ डालेंगे और इसको इस तरीके से 1-1 मिनट लगाएंगे। अभी हमने रेगुलर इसको नहीं चलाना, ठीक हो गया। ये जिस टाइम पे आके 2 आइस क्यूब डल गए, कंडीशन आपको दिखा दूं, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। बस 2 ही डलेंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर से यहाँ पे कवर लगा देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर रख के 3 मिनट के लिए इसको चला देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक हो गया। ये लें जी इस टाइम पे आके हमने इसको 3 से 3.5 मिनट चला लिया, कंडीशन आपको दिखाते हैं, ये देखें इस कंडीशन में हमारी कॉफी आ जाएगी, बिल्कुल फॉर्म की फॉर्म में होगी और हल्की बन जाएगी, फ्लफी होगी, ये देखें आप इस तरीके से, गल समझ आ रही है। लेकिन आपने गर्म पानी नहीं बेचोक के दब देना, इस तरीके से आपने बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉफ़ी तैयार किस तरीके से करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, इसको दूध को यहाँ पे ले आएंगे डिश आउट करने के लिए। इसके साथ का हमने एक कॉफ़ी मग ले लिया, सबसे पहले अपनी जो कॉफ़ी हमने तैयार की है ये इसके अंदर शामिल करेंगे, ये इस तरीके से 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे, इस कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। साथ में हम इसके अंदर गर्म दूध उबलता हुआ शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से, बस फुल नहीं भरेंगे, इतना करके अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब कॉफ़ी और दूध मिक्स हो जाएं, फिर हमने इस तरह का नोकदार कोई भी बर्तन लेना है, दूध वाला मग, चैनक, कोई भी चीज़ हो जिससे हमने अब धार बांधनी है, ठीक हो गया। गर्म दूध इसके अंदर शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे हम धार बांध के ऊपर से कॉफ़ी के अंदर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लाके अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसके ऊपर से टॉपिंग करेंगे, ये इस तरीके से हम कॉफी उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और उठाएंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इस टाइम पे आके हमने इस तरीके से कॉफी रख दी। ये मेरे पास चॉकलेट सिरप है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। अब इसकी हमने डिजाइनिंग बनानी है ऊपर से, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये जो केक वगैरह बेकरी में इस्तेमाल होते हैं, ये देखें इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ से काट देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से, फिर इसके अंदर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, टूथपिक जो होती है ये ले लेंगे एक, इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड पे लाइन लगाएंगे, ऐसे यहाँ से, 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 इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, ये हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, जब इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो लुक वाइज बड़ा खूबसूरत लगेगी कॉफ़ी, ठीक हो गया। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से जब इसके ऊपर इस तरीके से फ्लावर फूल बनाएंगे, आराम से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बन सकता है। जब आप मेहमानों के सामने इस तरीके से सर्दियों में सर्व करेंगे तो कमाल, आपकी वाह वाह हो जाएगी पूरे घर में, देखने में भी खूबसूरत लगेगी, पीने में तो टेस्टफुल है ही है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरी बात जो है, ये जो कॉफ़ी जहाँ पे माओ बहनों को प्रॉब्लम आती है, आपने करना क्या, इस तरह का एक जार लेना है शीशे का, उसके अंदर ये कॉफी को शिफ्ट करके रख देना है। आपकी कॉफी एक हफ्ता तक अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीजर में नहीं दाब देना, बर्फ जम जाएगी, आप इसको फ्रिज में रखें और जब आपका दिल चाहे आप इसकी कंडीशन सिर्फ ये देखें, ये इधर देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है, ये देखिएगा कितनी फ्लफी है, ये देखें, इस तरीके से मैंने आपको दिखाना था। आप जब इसको फ्रिज में रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फ्रिज में रखने के बाद ये इसी तरीके से रहेगी एक हफ्ते तक भी, आप जब इसको निकालेंगे एक हफ्ते के बाद भी तो इसी कंडीशन में आओगी, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, ये ले जी यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, सिंपल आपने इसको ऊपर से कवर लगा देना इस तरीके से और इसको उठा के आपने इस तरीके जार को फ्रिज में रख देना है। आप डेली इस्तेमाल करें, एक हफ्ते के बाद निकालें, एक हफ्ते तक ये जो इसका फॉर्म है जिस तरह फ्लफी है ये नीचे नहीं बैठेगी, इसी फॉर्म में रहेगी, ठीक हो गया, और आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये यूनिक सी, टेस्टफुल, खूबसूरत सी, देखें अगर हमारी ये कॉफ़ी जो है हॉट कॉफ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।